फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा 97, ठीक है। और आज का जो पॉइंट हम बात करने वाले पेरिकार्डियम के 6 नंबर पॉइंट के बारे में, पेरिकार्डियम मेरिडियम के 6 नंबर पॉइंट के बारे में। तो पहले इसकी हम लोकेशन जान लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा हाथ होगा, ठीक है, ये हमारी इन साइड होगी, इन साइड, ठीक है। तो जैसे पहली वीडियो में हमने आपको P3, P4, P5 सब की लोकेशन बताई थी, ये हमारा एल्बो है, ठीक है, ये एल्बो का एरिया है पूरा, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था P4 आपका ये पॉइंट होता है कलाई के बीच में, और ये हमारा P5 होता है, तो लगभग इसी जगह इन्हीं के सेंटर में बीच में ये हमारा P6 पॉइंट होगा, लगभग इन्हीं के बीच में सबके पूरी कलाई और एल्बो के बीच में हमारा P4 पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो हमारी अल्ना जो बोन होती है, ठीक है, अल्ना बोन, तो ये बीच में इधर रेडियस होती है, ठीक है, तो ये बीच में हमारा P5 पॉइंट आ गया और इसके बीच में फिर ये P6 पॉइंट आ गया, ठीक है, लगभग इतने अंदाजे से। हाथ में अगर बताऊं तो ये हाथ में हमारा P6 यहाँ पे पड़ेगा पॉइंट, ठीक है, इस जगह पे पड़ेगा, ये इस जगह पे पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इस जगह बीचों बीच बिल्कुल ये यहाँ पे स्वेटिंग की वजह से पॉइंट नहीं बन रहा, इसी जगह पड़ेगा ये देख लो आप ध्यान से, इतनी जगह पे ये रहा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया P6। तो इधर लिख देते हैं, स्वेटिंग लगती है ना इसमें, इस वजह से नहीं आ रहा है, ये P6 हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, अब पॉइंट हो गया P6। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहला बेनिफिट है, अगर किसी को इमोशनल शॉक लगा हो, कोई एक्सपायर हो गया हो, किसी को ऐसी दुर्घटना हो गई हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, इमोशनल शॉक उसे बोलते हैं, इमोशन उसके शॉक रहते हैं, कोई धोखा कर देता है किसी के साथ में, धोखाधड़ी कर दे, फैमिली का कोई मेंबर हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, कोई भी ऐसा इमोशनल शॉक हो, उसमें बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। ये ब्रेन हाइपर, अगर किसी का ब्रेन हाइपर हो, यानी कि दिमागी अशांति, दिमाग ज्यादा चलता हो, दिमागी अशांति, ठीक है, दिमाग किसी का ज्यादा चलता हो उसमें ही बेनिफिट करेगा, ठीक है। नंबर 3, अगर किसी को नींद की अगर समस्या है, नींद कम आती हो, तो उसमें भी बेनिफिट आपको करेगा, नींद कम आना, ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम है आपकी। वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है, ये 3 हमने जो अपना देखा है अपने अनुभव में वो सारा आपको बता रहे हैं, वैसे तो हर पॉइंट के बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है, ये 3 में आप इसका ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को 15 से 20 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है, ठीक है, हर घंटे में 2 घंटे में आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऐसे प्रेस करना है ये, ठीक है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, रात को सोते वक्त जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, इस तरह की आपको स्टार मैग्नेट लेनी है, ये स्टार मैग्नेट आप लेंगे या क्लस्टर स्टार मैग्नेट लेंगे, उसको लेंगे और इस P6 पॉइंट पे लगा देंगे, ठीक है, ये P6 पॉइंट पे लगा देंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो P6 पॉइंट है दोस्तों, ये हॉटनेस का भी पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्लासिकल एक्यूप्रेशर में तो नहीं आता, ये सुजोग में आता है, फिर भी बता देते हैं हॉटनेस का पॉइंट है, ठीक है। ये सारे आप ट्रीटमेंट कीजिए और दिनचर्या की जो वीडियो हमने बनाई हुई है डेली रूटीन की, उनको जरूर देखिए कि आपको कैसे उठना चाहिए, किस टाइम पानी वगैरह पीना चाहिए, सुबह उठ के नाश्ता किस टाइम लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, दोपहर का खाना, पानी, रात का, पूरा वो उसमें बताया हुआ है रूटीन के बारे में, तो आपके जो रोग है 90% तो उसी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉब्लम 99% तो हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, उस पर भी जब समय मिलेगा कभी चर्चा करेंगे, तब तक आप इन चीजों को देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर, ठीक है।